खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में रौनक भी देखने को मिली। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और मनदीप इस बीच पुष्कर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मनवीर, आपसे समझना चाहेंगे, आज मेले का दूसरा दिन है, विश्व प्रसिद्ध मेला है, तमाम हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, किस तरीके की तस्वीरें आप देख रहे हैं? देखिए लक्ष्मी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुष्कर का ये जो पवित्र मेला है न केवल आस्थाओं का बड़ा केंद्र है, उसी के साथ साथ पूरब और पश्चिम की जो संस्कृति है उसका भी अनोखा मिलन इस मेले में देखने को मिलता है। बड़ी संख्या के अंदर जो विदेशी मेहमान हैं वो पुष्कर पहुंचते हैं और राजस्थान की जो रंग बिरंगी संस्कृति है उससे रूबरू होने की कोशिश करते हैं। इस समय की अगर हम बात करते हैं तो तमाम तरह की जो प्रतियोगिताएँ हैं वो आज देखने को मिली हैं। सबसे ज़्यादा आकर्षण पुष्कर मेले में क्योंकि ऊंट होता है, आज ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और जो तमाम ऊंट पालक इस पुष्कर मेले में शिरकत कर रहे हैं उन्होंने अपने अपने ऊंटों को आकर्षक ढंग से सजाया और खास तौर पर जो विदेशी सैलानी हैं उनके आकर्षण का केंद्र क्योंकि पुष्कर मेला होता है और खासतौर पर ऊंट होता है तो वो तमाम लोग यहाँ पर जुटे और इस पूरे आयोजन की तारीफ भी हुई। लेकिन साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन का ये भी प्रयास होता है कि पुष्कर मेले के दौरान जो विदेशी सैलानी है वो केवल एक पर्यटक के रूप में यहाँ पर ना आए, वो तमाम आयोजनों में अपनी सहभागिता भी निभाएं। इसलिए जो स्थानीय खेल है, बात चाहे सतोलिया की कर लेते हैं, लंगड़ी टांग की कर लेते हैं, वो तमाम खेल भी आज यहाँ पर खेले गए मेला मैदान में। और उन खेलों में सबसे आकर्षण का जो केंद्र था वो यही बात थी कि स्थानीय खिलाड़ियों के साथ में बड़ी संख्या के अंदर जो विदेशी पाहुणे हैं उन्होंने भी उन खेलों के अंदर भाग लिया और अपने भाग्य को आजमाने की कोशिश की। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो राजस्थानी संस्कृति की रंगीन छटा है वो इस पूरे पुष्कर मेले में हमको देखने को मिल रही है। तमाम चाहे देशी श्रद्धालुओं की बात कर लेते हैं बड़ी आस्था के साथ में यहाँ पर पहुंचे हैं और जो विदेशी पाहुणे हैं वो राजस्थान की संस्कृति से रूबरू होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी के लिए इस मेले में कुछ ना कुछ खास बात जरूर है। जी, सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए मनवीर, तो क्या कुछ इंतजाम आपको यहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, कुछ दिन पहले ही जैसा कि आपने ऊंट का यहाँ पर जिक्र किया, रेगिस्तान के जहाज का जिक्र किया, तमाम ऊंट पालकों की कुछ शिकायतें भी देखने को मिल रही थी, तो क्या अब चूंकि मेला की शुरुआत हो गई, आज दूसरा दिन है, क्या प्रशासन वो शिकायतें दूर कर पाया है, क्या व्यवस्थाएं उनके मुकम्मल उनके हिसाब से हो पाई हैं? देखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेला है और प्रदेश भर से, और यूं कहा जा सकता है कि लगभग देश भर से जो ऊंट पालक है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। घोड़ों के क्रय विक्रय का एक बड़ा केंद्र पुष्कर का ये पवित्र मेला बनता है, तो व्यवस्थाओं को अंजाम देना कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है और प्रशासन द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जहाँ कहीं भी शिकायतें सामने आए उन शिकायतों का समय पर निस्तारण हो। कुछ देर पहले जो मेला मजिस्ट्रेट हैं देवी का तोमर, उनसे भी हमारी बातचीत हुई, उनका भी यही कहना था कि चाहे आस्थाओं की बात हो या पर्यटन की बात हो, स्थानीय प्रशासन लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि श्रद्धालुओं की आस्थाएं और साथ में पर्यटकों का आकर्षण इस मेले को लेकर के बरकरार रहे। जहां तक बात कानून व्यवस्था की है, स्थानीय प्रशासन के द्वारा बड़ी संख्या के अंदर जो पुलिसकर्मी हैं वो पूरे मेला मैदान में तैनात किए गए, पूरे मेला क्षेत्र में तैनात किए गए, साथ ही साथ सादा वर्दी जो जवान हैं वो लगातार नज़र रखे हुए हैं कोई अवांछित गतिविधि पूरे मेला क्षेत्र में न हो पाए। मेला मजिस्ट्रेट का जो कैंप है वो मेला मैदान के पास ही स्थापित किया गया है और वहीं से इस पूरे मेले को संचालित करने का प्रयास किया। मनवीर, आप इस पूरे मेले पर नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे, बहुत शुक्रिया आपका।